अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह स्केचअप को इंस्टॉल करके उसको क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको स्केचअप 2017 का जो प्रो वर्जन है वह हम आपको इंस्टॉल करना सिखाएंगे और उसको क्रैक करना सिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं ये हमारा स्केचअप है। इसके जो फोल्डर है वो मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर दूंगा। आप इस फोल्डर को ऑन करेंगे, इसके सेटअप को रन करेंगे। जैसे ही आप सेटअप को रन करेंगे तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो करते हुए आप स्केचअप को इंस्टॉल कर लेंगे। इसका सेटअप चूँकि मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसको नो करता हूँ। इसका जब सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने इसके क्रैक को ओपन करना है। क्रैक को ओपन करने के बाद आपका जो इंस्टॉल स्केचअप है उसको आप ओपन लोकेशन फाइल्स पे जाना है। ओपन लोकेशन फाइल आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन लोकेशन फाइल, ये स्केचअप की ओपन लोकेशन फाइल आ जाएगी। आपने क्रैक उधर से उठाना है फाइल से, स्केचअप सेटअप, वन मिनट, इधर क्रैक से ये एक स्केचअप की फाइल है साइट बिल्डर्स के लेआउट की। इस फाइल को उठा के कॉपी करके आपने इसकी जगह रिप्लेस कर देना। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आपने इसको रिप्लेस करना है तो ये आपका जो स्केचअप है ये क्रैक हो जाएगा। इसी तरह आपने साइट बिल्डर की लोकेशन को ओपन करना है। आप देख सकते हैं साइट बिल्डर की ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे आके आपने क्रैक वर्जन को, क्रैक साइट बिल्डर, इसको कॉपी करना है और साइट बिल्डर की जगह पे इसको पेस्ट कर देना है। आप इधर से भी जा सकते हैं, ये साइट बिल्डर इस जगह पे आपने पेस्ट कर देना। और सेम लाइक आपने लेआउट का लोकेशन फाइल को ओपन करके तो उसके अंदर आपने स्केचअप को इंस्टॉल कर देना। ये क्रैक वर्जन है, ये लेआउट है। आप के तीनों ही रेलिवेंट जो सॉफ्टवेयर हैं, लेआउट, स्टाइल बिल्डर्स और स्केचअप, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्रैक हो जाएंगे। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह आपके स्केचअप 2018 जो है वो क्रैक हो चुका होगा और आप ये देख सकते हैं लाइसेंस्ड वर्जन है। तो आई एम होपफुल कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आप कैसे आगे लेकर इसको चलते हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके इंस्टॉलेशन में तो आप कमेंट्स में करके भी पूछ सकते हैं। इसका जो वर्जन है
इसकी स्केचअप प्रो का 2070 का जो वर्जन है, जो फाइल है, वो मैंने लिंक में शेयर कर दी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।